दिलीप कुमार राइट में कौन इसको उठाओ, दिलीप कुमार राइट में कौन है? श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का यह नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, यह अभिनंदनीय है। भगवान केदारनाथ का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस दृश्य से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं, यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को इस सुविधा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।